चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कई बैठके हैं, तो वहीं सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारी जुड़े, करीब दो घंटे तक अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। धरातल पर क्या स्थिति है योजनाओं को लेकर उस बात की जानकारी भी ली गई, व्यवस्थाओं को लेकर भी जानकारी ली गई। प्रदेश सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने पर चर्चा, बीजेपी लोकसभा कोऑर्डिनेटर के साथ भी मुख्यमंत्री की बैठक होगी। तो वहीं शाम 5 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष चर्चा कार्यक्रम रहने वाला है। प्ले वे स्कूल के लाभार्थियों के साथ शाम 5 बजे संवाद होगा। अभी सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ मीटिंग हो चुकी है और तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं जनता को दी जा रही है, उन्हें लेकर एक फीडबैक भी लिया गया है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो सभी के क्षेत्रों में बनी हुई हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारी जुड़े थे और दो घंटे तक ये चर्चा रही मुख्यमंत्री और अधिकारियों के बीच में। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंडीगढ़ से रवि कालीरमन फोनलाइन पर आ चुके हैं। रवि, देखिए, दो घंटे तक करीब सभी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है, क्या क्या अहम मुद्दे चर्चा का विषय रहे इस दौरान? रवि, बिल्कुल बसंत, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक जो है वो हुई है, प्रदेश के सभी उपायुक्त और जिला अध्यक्षों के साथ ये बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में जुड़े और प्रदेश में सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने या फिर यूं कह लीजिए जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए उसको सुनिश्चित किया जाना इस बैठक का उद्देश्य था। और विभिन्न विषयों पर जमीनी स्तर पर मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम अधिकारियों से फीडबैक लिया गया, किस प्रकार से ये तमाम जो सुविधाएं हैं, तमाम जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, ये किस प्रकार से लोगों को मिल रही है उसका फीडबैक लेते हुए नजर आए और जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए ताकि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हरियाणा सरकार की जो भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका लाभ पहुंच सके। जी ठीक है रवि कालीरमन, देखिए इस तरीके की बैठकें जरूरी भी हैं क्योंकि योजनाएं चलाई जाती हैं, सुविधाएं जो दी जाती है उसका फीडबैक लेना जरूरी भी है। बहरहाल रवि, और कितनी बैठकें आज मुख्यमंत्री की रहेंगी, कौन कौन सी बैठक आज रहने वाली है? तो बिल्कुल बसंत, अगर बात की जाए तो अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकसभा के कोऑर्डिनेट के साथ बैठक जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल तमाम लोकसभा में जो भी कोऑर्डिनेटर मुख्यमंत्री की तरफ से नियुक्त कराए किए गए थे उनसे फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकसभा में किस प्रकार से काम करने की जरूरत है, किस प्रकार से आने वाले 2024 में लोकसभा में तमाम जो जमीनी स्तर के काम होने हैं उनको लेकर भी फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। इसके बाद शाम 5 बजे मुख्यमंत्री का विशेष चर्चा कार्यक्रम जो संवाद होता है वो होने वाला है और प्ले वे स्कूल के साथ तमाम लाभार्थी जो है वो जुड़ने वाले हैं। प्ले वे स्कूल के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशेष चर्चा करेंगे। हरियाणा सरकार ने प्लेवेज जो स्कूल है वो खोले हैं और उनमें किस प्रकार से पढ़ाई जो है वो हो रही है, हालांकि वर्चुअल और एनिमेटेड माध्यम से तमाम बच्चों को सिखाए जाने की बात हरियाणा सरकार करती है तो उसका कितना लाभ जो है बच्चों को मिल पा रहा है, उनके अभिभावकों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल संवाद करते हुए नजर आएंगे। ठीक है रवि, मुख्यमंत्री की कई अहम बैठकें आज जो होंगी, अभी फिलहाल लोकसभा कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक चल रही है, नजर बनाए रखिएगा रवि, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शाम 5 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष चर्चा कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल जैसे कि हमारे संवाददाता रवि कालीरमन ने जानकारी दी कि अभी लोकसभा कोऑर्डिनेटर के साथ अहम बैठक लगातार जारी है।